दिल्ली एनसीआर में सतत वरसाद ने कारण गर्मी थी त्राहिबाम पुकारी उठेला लोगों ने राहत मिली है। तो बीजी बाजू दर वर्ष की जेम आ वर्षे पण ठेर ठेर रस्ता पर वरसादी पाणी भरावानी समस्या यथावत रही है, जेथी वाहनों की गति धीमी थी। दिल्ली आईटीयू विस्तार की एक सड़क पाणी में गरकाव थता दुर्घटना टाळवा माटे लोको आ रस्ता परथी जवानु बंद करी रह्या छे। दिल्हीमां आ वर्षे गरमीना पारा छेल्ला 90 वर्षनो रेकॉर्ड तोड्यो छे, त्यारे हवामान विभागे हजु थोड़ा दिवसो वरसाद वरसवानी आगाही करता वातावरणमां भेजनुं प्रमाण वधता ठंडक प्रसरी छे। हो रही बारिश से जहां आम लोगों को भीषण गर्मी और उमस से निजात मिली है, इसी के साथ ही उन्हें कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। परेशानियां हर साल की तरह वाटर लॉगिंग और जलमंगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं और ये जो सड़क है वो प्रगति मैदान की तरफ जाती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए ये पूरी जो सड़क है ये किस तरीके से यहाँ पर ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। एक साइड होकर के जो ट्रैफिक है वो सड़क के एक तरफ होकर के गुजर रहा है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये रफ्तार अभी उतनी धीमी नहीं है जितनी धीमी अभी कुछ समय बाद हो जाएगी, क्योंकि थोड़े समय बाद यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही जो गाड़ियों की रफ्तार है वो और धीमी हो जाएगी। आपको ये सड़क और दिखाना चाहेंगी क्योंकि ये सड़क पूरी तरीके से पानी से ढक गई है, जलमग्न है और ये सड़क का नजारा हर साल इसी तरीके से देखने को मिलता है। समस्या जो अमूमन जस की तस बनी हुई है, आप पीछे देखेंगे किस तरीके से जो कूड़ा है वो ऊपर आ गया है, पंप्स लगाए गए हैं। पंप्स की बात हुई थी कि पंप लगाकर पानी हटाया जाएगा, तो पीछे पंप लगाए गए हैं, पानी हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद जारी है, लेकिन इसी के साथ ही आप देखेंगे कि ये पूरी सड़क है वो पानी से डूब गई है। कोई भी लोग व्यक्ति यहाँ से नहीं गुजर रहा है क्योंकि पानी से ये पूरी सड़क भर चुकी है, लबाबा पानी से हो चुकी है। इसी के साथ ही ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर रहा है, लोगों को हर साल इसी तरीके से जो जल भराव की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली में जो अभी जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों इसी तरीके से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसी तरीके से बारिश जारी रहेगी, तापमान में जो गिरावट है जो रिकॉर्ड की जा रही है वो रिकॉर्ड की जाती रहेगी। इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की गर्मी ने बीते 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के जो लोग हैं उनको इस बारिश का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हर साल बारिश में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो उन्हें तस्वीर और परेशानियों का सामना फिर से करना ना पड़े। कैमरा पर्सन अमित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।